वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये हमारा वीडियो नंबर 5 चैप्टर 9 एरेज के ऊपर, और आज का हमारा टॉपिक है इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था सिलेक्शन सॉर्ट, और अब हम पढ़ेंगे इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट का प्रोग्राम बनाने से पहले हम समझते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट आपकी जो एल्गोरिथम है वो किस तरीके से काम करती है। तो सिंपली उसके लिए एक डमी एरे हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक सैम्पल एरे। देन इस एरे में हम इंसर्शन सॉर्ट की मदद से इसे सॉर्ट करेंगे। तो मान लीजिए ये आपकी एरे है एंड इसमें कुछ एलिमेंट्स हमने दे दिए, मान लीजिए 5, 2, 3, 1 एंड 7, और इसके इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो इंसर्शन सॉर्ट जो आपकी एल्गोरिथम है ये सिंपली आपकी कैसे काम करती है, हम यहाँ पे हर एक इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, एंड देन उसको हम कंपेयर करते हैं उसके लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, और जहां पे भी हमको लगेगा उसकी एप्रोप्रिएट पोजीशन है हम वहां पे उसे इंसर्ट कर देंगे। इसीलिए इस एल्गोरिथम का नाम इंसर्शन सॉर्ट है, क्योंकि हम एलिमेंट को पिक करते हैं एंड नॉर्मली उसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स में जहां पे उसकी एप्रोप्रिएट पोजीशन है वहां पे उसे इंसर्ट करेंगे। तो किस तरीके से हम देखते हैं इसे, अब मान लीजिए यहां पे पास नंबर 1 में अगर हम इसको करना चाहें 0 एलिमेंट से, तो अगर हमारी एरे में सिंगल एलिमेंट है तो अपने आप में ही क्या है, एक सॉर्टेड आपका एरे है। अगर हम एक सिंगल एलिमेंट को लें यानी कि हम 0 इंडेक्स नंबर 1 वाले को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये अपने आप में ही क्या है, एक सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो नेक्स्ट टाइम फर्स्ट पास में हम क्या करेंगे, हम आपका 1 इंडेक्स नंबर को सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसे कंपेयर करेंगे इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं। तो इसके लेफ्ट में कितने एलिमेंट है, केवल एक एलिमेंट है। तो हम नॉर्मली यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल हम होल्ड करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर हम इस वैल्यू को होल्ड करेंगे जो इस इंडेक्स नंबर पे है यानी कि 2, एंड इसके लेफ्ट वाले से अगर ये क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि हम जो एरे है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट है उनके साथ कंपेयर करना है। तो 2 जो है वो 5 से आपका क्या है, छोटा है। तो सबसे पहले तो 2 को हमने टेम्प में यहाँ पे स्टोर कर लिया, और अगर हमको छोटा मिलता है तो सिंपली हम 5 को एक स्टेप आगे शिफ्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे, एंड देन हम कंपेयर करते और लेफ्ट में, लेकिन लेफ्ट में अब एलिमेंट्स है नहीं तो सिंपली इसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो अब क्या हो गया, पास वन के बाद आपकी जो एरे है वो कुछ इस तरीके से आ गई, एरे आपकी 2, 5, 3, 1 एंड 7। तो ये दोनों आपके सॉर्टेड ऑर्डर में आ गए, इंडेक्स नंबर था 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो इंडेक्स नंबर 1 हमने सेलेक्ट किया और उस इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट था उसको उसकी सही जगह पे हमने पहुंचा दिया, यानी कि इससे पहले यहाँ पे 2 था वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। ये दोनों एलिमेंट को अगर हम देखें ये आपके सॉर्टेड ऑर्डर में है। देन अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर 2 को हमने सेलेक्ट किया एंड 2 को हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने होल्ड कर दिया एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर, यानी कि जो आपका इसके इस इंडेक्स नंबर में जो एलिमेंट है 3 उसे हमने स्टोर किया है टेम्प के अंदर। अब हम दोबारा इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो 3 है उसको हमने कंपेयर किया 5 के साथ, तो 3 क्या हमारा 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है जी। तो सिंपल 5 को हम एक स्टेप पीछे डाल देंगे जैसा हमने फर्स्ट टाइम किया था। तो 5 अब हम देखते हैं 1 के साथ तो कंपेयर हो गया, नाउ 0 के साथ लेफ्ट में सभी एलिमेंट के साथ करना है। तो क्या 3 आपका 2 से भी स्मॉल है, नहीं है। तो नॉर्मली अब हम क्या करते हैं इसको इसकी एप्रोप्रिएट पोजीशन पे इंसर्ट कर देते हैं। तो ये एरे आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में आ गई, 3 एलिमेंट जो हैं। तो यहाँ पे पास 2 के बाद आपकी जो एरे है इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4, 2, 3, 5, 1 एंड 7, तो ये 3 एलिमेंट्स आपके सॉर्टेड ऑर्डर में है। देन अब हमने क्या करना है, इंडेक्स नंबर 3 को सेलेक्ट करना है एंड इसको भी हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर। तो नॉर्मली सबसे पहले इसको हम होल्ड करते हैं टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर, 1 आपका आ गया टेम्प के अंदर। देन अब इसको हमने कंपेयर करना है हर एक एलिमेंट के साथ, तो सबसे पहले सेकेंड इंडेक्स नंबर वाले एलिमेंट के साथ हमने कंपेयर किया। तो क्या 1 जो है 5 से छोटा है, बिल्कुल है। तो 5 को हमने एक स्टेप पीछे डाल दिया। देन हमने इस एलिमेंट को कंपेयर किया 1 के साथ, 1 से भी छोटा है, तो 3 को भी हमने एक स्टेप पीछे डाल दिया। देन 2 के साथ, तो 2 से भी छोटा है, तो 2 को भी हमने एक स्टेप पीछे डाल दिया। तो इसके अब आगे कोई एलिमेंट तो है नहीं, वरना हम और कंपेयर करते। तो यहां पे 1 की जो एप्रोप्रिएट पोजीशन है वो है आपके 9 यहां पे, तो इसको हमने सिंपली यहां पे
आपका रिप्लेस करना है। तो इसी तरीके से लास्ट टाइम, अभी तो हमारा सॉर्टेड है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई पास थ्री के अंदर, जब हम यहाँ पे सिंपली क्या करते, आपका इसको सेलेक्ट करते फोर्थ इंडेक्स नंबर पे, मान लीजिए यहाँ पे आपका माइनस वन होता, तो सेम उसको हम एक टेम्प्रेरी वेरिएबल में होल्ड करते एंड देन हर एक के साथ कंपेयर करके आपका उसको पीछे डालते रहते एंड देन आपका पूरी एरे आपका सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाती। तो यहाँ पे ये तो सिंपल इसका लॉजिक हो गया कि कैसे हम इसको सॉर्ट करते हैं। जो भी आपका इंडेक्स नंबर है उसके एलिमेंट को हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे, होल्ड करेंगे टेम्प्रेरीली, और उसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करते हैं और जो भी उसकी अप्रोप्रिएट पोजिशन है वहाँ पे हम उसे सिंपली इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका देखिए लूप सब कितने एग्जीक्यूट होंगे प्रोग्राम को अगर हम बनाएं, तो यहाँ पे जो लूप्स हैं, एक तो आपका सिंपली एग्जीक्यूट होगा आपकी अलग अलग लोकेशंस में, सॉरी अलग अलग इंडेक्स नंबर को चेंज करने के लिए, यानी कि आपके यहाँ पे फाइव एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपका जो इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है कितने बार हो रहा है, 1, 2, 3 एंड 4, क्योंकि अगर फर्स्ट वाले को हम लेते हैं तो उसको लेने की वजह से जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अपने आप में ही एक सिंगल एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। तो दो एलिमेंट अगर आपके होंगे मिनिमम तब हम देख पाएंगे कि वो आपका सॉर्टेड ऑर्डर में है या नहीं। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लूप चलेगा जिसे कि हम इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे वो आपका चलेगा एरे का जो साइज है उससे एक कम, यानी कि साइज ऑफ एरे माइनस वन। देन एक लूप हमारा सिंपल चलेगा जो कि आपका लेफ्ट साइड में जितने भी आपके एलिमेंट हैं उनके साथ कंपेयर करने के काम आएगा। एंड एक आपका यहाँ पे सिंपली हम देखेंगे आपका टेम्प्रेरी वेरिएबल जो कि आपका टेम्प्रेरीली आपका उस इंडेक्स नंबर के एलिमेंट को होल्ड करेगा। तो ये तो सिंपल इसका एक ओवरव्यू हो गया इंसर्शन सॉर्ट। अब हम सिंपली इसका एक प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो प्रोग्राम के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली अपनी हेडर फाइल इंक्लूड iostream.h, जिससे कि हम cout और scene ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। देन हमारी conio हेडर फाइल conio.h, void main फंक्शन, आप चाहें तो इसको फंक्शन में भी क्रिएट कर सकते हैं, नॉर्मली एक फंक्शन बनाए एंड पूरी की पूरी एरे आप उसमें पास करें। तो सिंपली अब हम यहाँ पे इसको फिक्स बना रहे हैं, यानी कि जो एरे हमने यहाँ पे ली है इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आप चाहें तो इसको यूजर डिफाइंड भी बना सकते हैं, बाकी साइज वगैरह आपने माइनस वन तक जो लूप चलाना है वो तो आप डायरेक्टली कर लेंगे। तो यहाँ पे फाइव एलिमेंट्स आपके एरे में है, कौन कौन से, 2, 5, 3, 1 एंड 7। तो ये तो एरे हो गई। एरे के बाद एक हमारा इंटरनल लूप एंड एक एक्सटर्नल लूप इंडेक्स नंबर चेंज के लिए, एक इंटरनल लूप कंपैरिजन के लिए। तो जो इंटरनल लूप है उसके लिए हम एक यहाँ पे एक पॉइंटर नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड सिंपली एक हमारा टेम्प्रेरी वेरिएबल और एक हमारा पीटीआर नाम का, जिससे कि हम हर एक इंडेक्स नंबर को पॉइंट आउट करेंगे जिस जिसके साथ कंपेयर होना है। तो सिंपल, तो अब देखिए सिंपल यहाँ पे हमारा जो आउटर लूप है फॉर इंट आई, इसको हमने यहीं पे डिक्लेयर कर लिया। ये हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, इस एग्जांपल के लिए 1 से 4 तक हमने चेक करना है। तो हम कहाँ पे चले जाते हैं, आई को हम चलाएंगे 1 से i < 5 तक, यानी कि 4 तक, एंड देन i = i+1। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर 1 पे हमारा काम होना है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जो हमारा इंडेक्स नंबर है उसको, उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको हमने टेम्प्रेरी में डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वही काम करते हैं, टेम्प्रेरी के अंदर हमारा जो पहला एलिमेंट है यानी कि ए आई, यहाँ पे सबसे पहले ए वन, तो किसमें आ गया, जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल था 5 एंड 2 का, तो 2 आपका सिंपली हमने टेम्प्रेरी में स्टोर किया था, तो वही काम हमने यहाँ पे किया। अब उसे हमको कंपेयर किसके साथ करना है, लेफ्ट में जितने एलिमेंट है यानी कि इससे नीचे को, तो उससे नीचे को कंपेयर करना है। तो सिंपली हमको जो पॉइंटर हमारा है जैसे कि इनर लूप हम चलाने वाले हैं उसको हम क्या कर देते हैं, उसकी वैल्यू हम कर देते हैं PTR = i-1। आई माइनस वन क्यों, इंडेक्स नंबर हमारा 1 है तो PTR में i माइनस वन कितना हो गया, 0। 0 मतलब केवल एक ही एलिमेंट है फिलहाल तो यहाँ पे हमको कंपेयर करने के लिए। अगर हमारा जो इंडेक्स नंबर होता वो होता 2, तो जब 2 होता तब हमने कहाँ कहाँ चेक करना होता, 1 एंड 0 में। तो यहाँ पे i माइनस वन जब हम करते तो 2 - 1 कितना आ जाता, 1। देन अभी इसको हम लूप के अंदर डालेंगे, देन हम इसको लूप के अंदर ही एक डिक्रीमेंट लगा के 0 भी करेंगे। सेम तरीके से जब वैल्यू हो जाती 3 इंडेक्स नंबर की तो हमको कहाँ कहाँ चेक करना है, 2 में, 1 में एंड 0 में। तो i-1 यहाँ पे
2, 1 and 0 करके देगा हमको। तो सिंपली यहाँ पे हमने एक अब लूप लगा दिया वाइल, कब तक ये काम होना है, जब तक कि आपका जो टेम्परेरी वेरिएबल है वो आपका छोटा होना चाहिए। अगर आप असेंडिंग में बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लेस देन का सिंबल लगाएंगे, अगर आप ठीक उसका उल्टा करें तो सिंबल भी आप चेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर जो टेम्प है अगर वो छोटा होता है किससे, ए पॉइंटर से, जो कि आपका चेक करने के काम आएगा, तब तक ये लूप चले और साथ ही हमारा एंड हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया जब तक आपका जो ये वैल्यू है जीरो नहीं आती। कहने का मतलब क्या, हम चेक करते जाएंगे तो ये तो चेक होता रहेगा। तो यहाँ पे अगर आपका जो इंडेक्स नंबर है वो जीरो के बाद माइनस वन होता है तो इस केस में हमको इसको रोक देना है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं इसको हमको कब तक चलाना है, जब तक आपका जो इंडेक्स नंबर है उसकी वैल्यू माइनस वन नहीं होती है। तो यहाँ पे जब तक जो PTR नाम का हमारा पॉइंटर यहाँ पे वेरिएबल है जिसे कि हम हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वह हमारा नॉट इक्वल्स टू माइनस वन है तब तक ये चले, मतलब छोटा भी हो और माइनस वन के इक्वल नहीं हो तब तक हमारा सिंपली ये लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले जो आपका टेम्परेरी वेरिएबल था जिसके अंदर टू है वो आपका छोटा है, तो फर्स्ट केस में तो हमारा छोटा था तो सिंपली हमने क्या करना था, हमने फाइव को शिफ्ट करना था। कहने का मतलब क्या है, हमने ए पॉइंटर प्लस वन में किसको शिफ्ट कर दिया, ए पॉइंटर को। ए पॉइंटर की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, पॉइंटर की वैल्यू यहाँ पे सिंपल थी आपकी जीरो, तो जीरो वाले को हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, वन प्लेस पे, यानी कि जो हमारा फाइव था वो एक स्टेप पीछे शिफ्ट हो गया। देन हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, PTR इक्वल्स टू PTR माइनस वन। तो PTR इक्वल्स टू PTR माइनस वन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमारा केवल जीरो एलिमेंट है, लेकिन अगर हम आगे इस तरीके की चेकिंग कर रहे होते तो हमको केवल, जैसे मान लीजिए अगर हमारा टू सेकेंड लोकेशन पे हम चेक कर रहे होते और टू को हमने कंपेयर कर दिया वन के साथ, तो जीरो के साथ भी तो करना है, तो अभी तो PTR केवल आपका क्या होता, वन होता, जीरो कैसे होगा अगर हम लूप के अंदर माइनस वन करके इसको और नीचे साइड शिफ्ट करेंगे। देन सिंपली हमने क्या कर देना है, अब यहाँ पे जैसे ही पूरा काम हो गया तो हमारे पास हमको अप्रोप्रिएट पोजिशन मिल गया है पॉइंटर, तो यहाँ पे पॉइंटर हमारा अब कितना हो गया, PTR इक्वल्स टू PTR माइनस वन। तो सबसे पहले तो जीरो कंपेयर हुआ, जीरो के बाद PTR माइनस वन करने से कितना होगा, माइनस वन, लेकिन एप्रोप्रिएट पोजीशन कौन सी है, जीरो है। तो इसके लूप के टर्मिनेट होने के बाद हम सिंपली यहां पे क्या कर देंगे, हम PTR प्लस वन में, यानी कि एक स्टेप आगे ले जाके जीरो प्लेस पे, हम सिंपली अपने एलिमेंट को जो कि हमने टेम्परेरी में स्टोर किया है उसे हम इसमें असाइन कर देंगे। तो ये तो सिंपल आपका लॉजिक हो गया, इसके बाद आप चाहें तो इसे प्रिंट भी कराएं। तो ये तो फर्स्ट पास का है, अभी हम सेकंड पास में भी इसको समझेंगे, आप चाहें तो नॉर्मली प्रिंट करा दें। न्यू एरे इज, सॉर्टिंग के बाद जो नई एरे है उसको हम फॉर लूप की मदद से i इक्वल्स टू जीरो, i इज लेस देन फाइव, i प्लस प्लस, तो सी आउट में ए आई में आप सिंपली प्रिंट करा दें, एंड देन कैट सी एच एंड सिंपली क्लोज। तो लॉजिक हो गया। अब देखिए मान लीजिए हमारा जो इंडेक्स नंबर है फर्स्ट पास के बाद हमारा जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो गया था, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट था वो क्या कितना था, थ्री था। तो अब यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर है वो वन की जगह कितना हो गया, फर्स्ट से सबसे पहले तो वन था, अब हमारा हो गया यहाँ पे टू। तो आपका यहाँ पे टू वाला जो एलिमेंट है उसको हमने टेम्प में स्टोर कर लिया, यानी कि थ्री को हमने सिंपली स्टोर कर दिया है। देन अब उसको कंपेयर करना है वन एंड जीरो के लिए, तो सबसे पहले कंपेयर किसके साथ करना है, वन के साथ। तो वन कैसे होगा, PTR इक्वल टू आई माइनस वन, यानी कि इंडेक्स नंबर टू माइनस वन वन। तो सबसे पहले टेम्प को हमने कंपेयर किया ए PTR से, कहने का मतलब किस क्या हुआ, हमने थ्री को कंपेयर किया आपका फाइव से, तो थ्री क्या आपका छोटा है, बिल्कुल छोटा है, और PTR अभी माइनस वन तो नहीं हुआ है, तो लूप एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही लूप के अंदर कंट्रोल आया तो हमने क्या किया, जो हमारा फाइव है उसको एक स्टेप पीछे शिफ्ट कर दिया, यानी कि PTR प्लस वन में हमने क्या डाल दिया, PTR वाला एलिमेंट। PTR में अभी कितना है, फाइव है, फाइव को हमने एक स्टेप पीछे डाल दिया।
देन ptr माइनस वन, दोबारे हमने लूप एग्जीक्यूट करना है। जब आपका लूप दोबारे एग्जीक्यूट होगा तो अभी भी टेम्पो में कितना है, अभी भी टेम्पो हमारा 3 होगा फर्स्ट पास में। 3 को हमने कंपेयर करना है 2 के साथ, तो 2 के साथ जैसे हम कंपेयर करेंगे तो छोटा तो नहीं है, छोटा नहीं है तो लूप आपका टर्मिनेट हो गया और सिंपली ptr आपका यहाँ पे जो माइनस वन हो गया था उसको हमने दोबारे प्लस वन करके उसमें टेम्प डाल दिया। यानी कि जो ptr आपका यहाँ पे हो गया था 0 उसको अब हमने 1 कर दिया और 1 प्लेस में हमने टेम्प को डाल दिया, यानी कि 3 को हमने यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हर एक एलिमेंट के साथ यहाँ पे आपकी प्रोसेस होगी। ये आपका एक एल्गोरिथम है और ये इसकी वर्किंग लॉजिक है किस तरीके से ये काम करता है, आपका इंसर्शन सॉर्ट। तो ये था आपका वीडियो नंबर 5 जहाँ पे हमने देखा इंसर्शन सॉर्ट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जो कि होगी वीडियो नंबर 6।